हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपकी आसाम राइफल्स की बारे में। जी हाँ दोस्तों, आसाम राइफल्स रैली भर्ती जो आपकी 2019 की थी, जी हाँ दोस्तों, उसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और अब आपको ज्वाइनिंग की इंस्ट्रक्शन में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी जो लिस्ट है उनके नाम के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इम्पॉर्टेंट डेट से मैं स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे 14/12/2018 को जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 14 जनवरी को जो था इसका लास्ट डेट था, और एग्जामिनेशन डेट जो डेट था वो था 28 जनवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, और रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था 1 मई को हुआ था, और फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ देखिए 7/10/2019, यानी कि 7 अक्टूबर को आपको जो है इसका फाइनल रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट हो चुका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आपको उसका फाइनल रिजल्ट चेक करना है और कैसे आपको जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस कुछ करना नहीं, आपको बस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आप जब विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपके सामने एक पीडीएफ फाइल मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डायरेक्टरेट जनरल आसाम राइफल्स शिलोंग 793010 नोटिफिकेशन ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 446। जी हाँ दोस्तों, 446 प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है इसमें आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट अप्रैली 2018-19। तो इसमें दोस्तों आपको दोनों जन के लिए है, यानी कि टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की दोनों जन की भर्ती के लिए है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में ही, प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट टू द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है आपको जो है पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है आपके रिस्पेक्टेड एड्रेस पे, यानी जितने बच्चे पास हुए हैं उन सभी का जो एड्रेस दिया गया था पोस्टल एड्रेस, वहाँ पे जो है आपको डिस्पैच कर दिया गया है ऑलरेडी। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है आगे, कि ऑल द अंडर मेंशन प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू आसाम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल दीमापुर नागालैंड ऑन 4th November 2019 एट 8 आवर्स फॉर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विथ 4 सेट्स ऑफ जेरोक्स कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाई गैजेट ऑफिसर। यानी तो ये दोस्तों आपको जो है दिए हुए समय पर, यानी कि 4 नवंबर के दिन आपको जो है एड्रेस पे पहुंचना होगा, और वो एड्रेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके इस एड्रेस पे पहुंचना होगा 4 नवंबर को। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और कितने सेट्स लेके जाना है और किसके साइन होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स पे, वो सब कुछ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। गैजेट ऑफिसर का साइन चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा, पहले यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो गैजेट ऑफिसर का ही आपको साइन लेकर जाना होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के, इनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ उन सभी के 4 जेरोक्स करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 4 सेट्स ऑफ जेरोक्स, यानी कि 4 कॉपी करना है हर एक जेरोक्स की, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे मार्कशीट हो, कुछ भी हो, आपको सबके साथ 4 जेरोक्स करना है और 4 जो है सेट तैयार होंगे आपके। आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपके जितने भी एजुकेशन मार्कशीट हैं, जी हाँ दोस्तों, 10वीं 12वीं 15वीं आपने जो जो एजुकेशन किया है उन सभी के आपको जो है सर्टिफिकेट्स लेके जाना है मार्कशीट के साथ, यानी कि दो मिलते हैं आपको पता होगा। जैसे कि 10वीं आपको मैं बता देता हूँ, एक मार्कशीट होता है और एक जो होता है पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपको दोनों लेके जाना होगा। सेम 12th में भी सेम इसी प्रकार होता है, 15th में भी यही होता है, आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मार्कशीट दिया जाता है। मार्कशीट में आपके मार्क्स जो है मेंशन होते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट में भी मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं, बट वो जो है पासिंग सर्टिफिकेट जनरेट होता है कि आपने इस एग्जामिनेशन को पास किया है, वो भी आपको गवर्नमेंट थ्रू से मिलता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको दोनों को लेकर जाना है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, तो नंबर 2 पे है SC ST OBC सर्टिफिकेट्स फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो भी आपकी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप तहसीलदार, जिसकी भी साइन से आपका बनता है आप लेके आइए, चाहे वो SC ST OBC सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका ओरिजिनल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जेरोक्स के साथ ओरिजिनल जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा ज्वाइनिंग के समय एक बार फिर से। अब नंबर 3 पे आते हैं, वो है डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको देते हैं आपका राज्य सरकार, जो भी आप अप्लाई किए हैं, तो आपको वो लेकर जाना होगा, अनिवार्य है आपको। देखिए टेम्पररीली रेजिडेंस सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेड दिया हुआ है, यानी कि आप ये गलती करके भी मत लेके जाइए कि मेरा ये टेम्पररी है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको जो है प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा।
नंबर चार पे आते हैं, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय पुलिस अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, तुरंत मिल जाएगा आपको 15 दिन के अंदर। तो वो आपको जो है लेटेस्ट में मांगे, यानी आपका पिछला अगर आपके पास है PUC तो वो सब नहीं चलेगा दोस्तों, आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है लगेगा ही, और वो भी करंट का। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, फटाफट आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर है और आपको 4 नवंबर को जाना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर द ट्रेड इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपने ट्रेड में एग्जाम दिया है और वहाँ पे एप्लीकेबल है तो आप जो है ट्रेड सर्टिफिकेट लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, आपने वायरमैन है, जो भी ट्रेड में आपने किया है वो आपको लेकर जाना होगा ट्रेड का सर्टिफिकेट। नंबर चार पे आते हैं, पाँच पे, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स डिपार्टमेंटल हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको जो है अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपके जिस अथॉरिटी में आप काम करते हैं, क्योंकि वो आपको लगेगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो देन कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 10 कॉपी, जी हाँ दोस्तों 10 कॉपी लगेंगी आपके फोटो की, पासपोर्ट टाइप फोटो की 10 कॉपी आपको लेकर जाना है, कलरफुल लेके जाना है, लेटेस्ट वाला लेके जाइएगा क्योंकि वो मैच करेंगे, और 10 कॉपी आपको लेकर जानी है। अब बात करें नेक्स्ट पे, तो देखिए 3 कॉपीज ऑफ जॉइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स विद द नेक्स्ट ऑफ किन प्रिबलिनी मंत्र मदर, तो 203 कॉपीज आपको जॉइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेके जाना है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, एज प्रूफ सर्टिफिकेट्स ऑफ मदर, फादर, ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये आपको लेके जाना है आपके मम्मी का, पापा का, ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, जिनका अवेलेबल है, और नहीं है तो आप उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए कि हाँ उनका नहीं है, तो आप उनका कुछ ID प्रूफ वगैरह लेके जाइए जहाँ पे उनका मेंशन होता है, वैसे ही आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपके मम्मी पापा भाई बहन का लिखा ही होता है। अब आते हैं 5 पे, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, यानी कि इनमें से सब चीज़ें आपको लगेंगी, तो पैन कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, वोटर ID लेके जाइएगा। कैंडिडेट शुड हैव सेविंग बैंक अकाउंट इन SBI विद द कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़, जी हाँ दोस्तों आपको जो है स्टेट बैंक में ही आपका जो है अकाउंट चाहिए। कैंडिडेट शुड इन पोजिशन ऑफ ATM कार्ड एंड बैंक पासबुक एंड अराइवल एट आसाम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल दीमापुर। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट द SBI कोड ऑफ द ब्रांच, इट्स नेम एंड द स्टेट इन विच लोकेटेड। जन धन योजना अकाउंट इज नॉट एक्सेप्टेड, जी हाँ दोस्तों जन धन योजना के अकाउंट को जो है आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको जो है एक इंडिविजुअल, यानी कि आपको जो है एक स्वतंत्र जो है आपका खुद का जो है SBI अकाउंट लेके जाना है आपको। अब देखिए सीरियल वाइज यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फादर नेम, ABCD देखिए दिखे हुआ है, AB जो है सीरियल नंबर है, B जो है आपका ID नंबर है, C जो है आपका कैंडिडेट का नाम है, और D आपके पिताजी का नाम है। तो नंबर 1 की बात करें तो 125680 पोथीना लक्ष्मण कुमार कैंडिडेट का नाम है, और जो उनके पिताजी हैं पोथीना सोमानायडू। नंबर 2 पे आया था बुधुमारू KS पोथीना, आदर्श तमंग, करण धर्मल, विशाल सिंघा, दिवांगन गोगाई, इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको सारे नाम अगर नहीं पढ़ूंगी बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टैम्प दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट है, और आप इन सभी बच्चों का जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा, और आप जो है अपने अच्छे से ज्वाइनिंग कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स जो है इतनी मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचते हैं, तो हमारे जो बाकी के व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है आप सबसे, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप देख सकते हैं 10 पेज का ये टोटल है PDF फाइल, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अपना नाम देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे द एंड हो चुका है। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्मार्ट नोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नोई चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ सरकारी नौकरी से संबंधित जितना भी फॉर्म आते हैं सब कुछ आपको जो है इसका नोटिफिकेशन स्मार्ट नोई चैनल पर मिल जाता है।